हमारे नाक का ज्यादातर हिस्सा मांस का बना होता है। नाक के मांस की मांसपेशियां थोड़ी सख्त होती हैं ताकि नाक को एक निश्चित आकार दिया जा सके। आमतौर पर नाक बंद रहने के कई कारण होते हैं, लेकिन हमेशा एक या दोनों तरफ की नाक बंद रहने की वजह नाक के अंदर पॉलिप्स का बनना हो सकता है। आपको बता दें कि कई बार नाक के अंदर जब ये बनता है तो ये फूलने लगती है और ये नाक के एक या दोनों तरफ हो सकता है। नाक के पास चेहरे की हड्डी में स्थित मैक्सिलरी साइनस से उत्पन्न होकर ये रसौली नाक में आती है। ये आगे या पीछे दोनों तरफ बढ़ सकती है, जिससे उस तरफ की नाक बंद रहने लगती है। बता दें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे कहते हैं नाक का मांस बढ़ना। मांस और मांसपेशियों से बने नाक का इस्तेमाल हम सांस लेने के साथ साथ सूंघने के लिए भी करते हैं, इसलिए इसकी उचित देखभाल जरूरी है। कई बार लोगों में नाक का मांस बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे वो अनदेखा कर देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति का नाक एक या दोनों तरफ से बंद रह सकती है। इन लोगों को जुकाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। नाक का मांस बढ़ने वाले व्यक्ति की सूंघने की क्षमता में कमी आती है। इस दौरान कुछ लोगों को सिर दर्द की भी शिकायत होती है। आपको इस बीमारी में छींके भी आ सकती हैं। अगर इसकी जांच और इलाज की बात की जाए तो अगर इसका समय रहते इलाज नहीं कराया गया ये तो बहुत बढ़ सकता है। इस तरह का खतरा होने के लिए बायोप्सी के थ्रू ये चेक किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग दवाई देकर इसे नियंत्रित किया जाता है।